यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोश के करीब जाने के लिए तैयार। इस वक्त आपने देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो अपने भी उसका साथ छोड़ जाते हैं अपनी, और इस तरह के कई केसेस हमने देखे कि जहां बाप की डेथ हो गई तो बेटा बाप को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। यार इन्होंने बंदे ही नहीं भेजे, मैं एक मिनट बाहर निकल। दो बंदे नीचे उतर जाओ, चलो जी देखिए, इस वक्त जो ये कोरोना की महामारी है, इस वक्त आपने देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो अपने भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, कोई उसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं, और इस तरह के कई केसेस हमने देखे कि जहां बाप की डेथ हो गई तो बेटा बाप को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, बीवी अपने पति के करीब आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही आज का ये वाकया है कि बीवी से हमने कहा कि आओ आखिरी बार अपने शोहर का चेहरा देखो, उसने कहा नहीं आप ले जाओ मुझे देखना नहीं। बेटे को कहा कि आओ हाथ लगाओ आप भी देख लो, कहता नहीं आप ले जाओ हमने देखना नहीं है। तो हम इस वक्त आपके ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप ऐसा ना कीजिए, इंसानियत अपने अंदर पैदा कीजिए। जबकि डॉक्टरों का ये कहना है कि मरने के बाद इस तरह से इन्फेक्शन के फैलने का कोई ख़तरा नहीं रहता है, और ये बीमारी आ चुकी है, अभी हम ये नहीं जानते कि बीमारी कब तक रहेगी, 2 साल 4 कब तक रहेगी। अब हमने इसी के अंदर जीना सीखना है। अगर हम इस तरह अपनों के साथ ये बिहेव करते रहे और इस तरह अपनों के साथ हम नफरत करेंगे और जानवरों की तरह हम इंसान के साथ वो सलूक करेंगे, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई मर जाता है आखिरी रसूमात उसकी अदा करनी है तो मैं ज़ाती तौर पर तैयार हूँ कि हम उसको सही तरीके से अदब व एहतराम के साथ, जिस तरह हम बाकी मैयतों को बाकी मुर्दों को गुसल देते हैं, कफन पहनाते हैं, उसको दफन करते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं उन मुर्दों को उन मैयतों को गुसल देने के लिए तैयार हूँ जिनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई है, और हम उनको अपने हाथों के ज़रिए से कब्र में उतारेंगे अदब के साथ एहतराम के साथ, सिर्फ इसलिए ताकि लोग इस डर और इस खौफ से बाहर आ जाएं, लोग इंसानों के साथ नफरत ना करने लगें। एक बेटा अपने बाप के साथ नफरत ना करे कि आखिरी वक्त में कि जिस बाप ने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया होता है लेकिन आखिरी वक्त में वो बेटा अपने बाप को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, कब्र में उतारने के लिए उसको तैयार नहीं है। तो लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि आप मत डरिए, अब आपको इसी बीमारी के अंदर रहना है, आपने इसी के अंदर जीना सीखना है, लिहाजा आप अपने आप को इस डर और इस खौफ से आप बाहर निकालिए, आप आगे बढ़िए, आप अपने हौसलों को बुलंद कीजिए। इसलिए कि जिस इंसान का जहन मर जाता है फिर समझो उसका जिस्म भी मरता है, जिस्म के मरने से आदमी नहीं मरता, जब आदमी जहनी तौर पर मर जाता है फिर समझो उसका सब कुछ मर जाता है। तो अपने जहनों को अपने ज़मीर को आप ज़िंदा रखें, आप आगे आइए, आप हमारा साथ दें। इस वक्त जो लोग डरे हुए हैं सहमे हुए हैं, लोगों को उस डर और उस खौफ से बाहर लाना है, इसीलिए हमने अपना ये मिशन जारी रखा अबाबील के ज़रिए से। जहाँ भी कोई डेथ होती है तो हमारी टीम वहाँ पहुँचती है, हम उन मैयतों को ले आते हैं और हम उनको दफन करते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि अगर गुस्ल भी देना हो, जम्मू में अगर किसी की भी डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से
तो मैं ज़ाती तौर पर तैयार हूँ, मैं खुद उसको गुस्ल दूंगा, कफन पहनाने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी लेडीज़ की डेथ होती है, इंशाल्लाह मैंने अपनी अहलिया को तैयार किया है, वो भी तैयार है कि मैं लेडीज़ को गुस्ल देने के लिए तैयार हूँ, कफन पहनाने के लिए तैयार हूँ। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर कहीं पर भी ऐसा कोई वाक्य पेश आता है, अबाबिल हेल्प लाइन पर आप रब्ता हमसे कर सकते हैं और हम वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे।